धनबाद के जोगता थाना अंतर्गत भेलाटार निवासी श्रीकांत बर्मन पिता स्वर्गीय राम प्रसाद बर्मन ने महुदा थाना अंतर्गत राधानगर के मनोज कुमार अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल और विनय कुमार अग्रवाल पर जबरन उनकी जमीन पर चार दीवारी बनाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में श्रीकांत बर्मन ने कहा महुदा थाना प्रभारी और धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर अवैध निर्माण कार्य को रोकने की मांग की है। थाना में दिए गए लिखित शिकायत के माध्यम से श्रीकांत बर्मन ने कहा कि उनके भाई बलदेव प्रसाद बर्मन के द्वारा दिनांक 8 मार्च 2018 को श्रीमती चना देवी से धनबाद रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवाई गई जमीन जो मौजा सिगड़ा मौजा नंबर 347 खाता नंबर 44 नया खाता नंबर 141 प्लॉट नंबर 28 नया प्लॉट नंबर 42 रकवा 400 डिसमल में से 75 डिसमल जमीन पर मनोज कुमार अग्रवाल, आदित्य कुमार अग्रवाल तथा विनय कुमार अग्रवाल जो कि राधानगर महुदा थाना के रहने वाले हैं द्वारा जबरदस्ती बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। वहीं श्री बर्मन ने आरोप लगाया कि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो वे दिनांक 9 दिसंबर 2022 को सुबह लगभग 9 बजे उक्त जमीन पर पहुंचे तो देखा कि जमीन पर जबरन बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है और जब उन्होंने आपत्ति जताई उन्हें गाली गलौज तथा मारपीट कर दोबारा उक्त जमीन पर पैर ना रखने की धमकी दी गई तथा जान से मार देने एवं जेल में सड़ा देने की भी धमकी दी गई। मैं श्रीकांत बर्मन भेलाटांड के रहने वाला हूँ, पीएस जोगता पोस्ट भेलाटांड जिला धनबाद का। मेरे भाई बलदेव प्रसाद बर्मन सिंगड़ा मौजा में जमीन उनके नाम से है, उस जमीन में मनोज अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल और विनय अग्रवाल के साथ में कोई विवाद में वाला केस चल रहा है, उसको षड्यंत्र करके जो है बालदेव प्रसाद बर्मन को मेरे भाई को अंदर करवा दिए हैं जबकि उनका अपना जमीन है। और ये अभी उसी जमीन पर मनोज अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल और विनय अग्रवाल बाउंड्री वाल कर लिए हैं जबकि मैंने सूचना 9/12/2022 को SDM साहब को मैंने दिया, उस पर भी मैंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और मैं थाना प्रभारी महोदय PS को भी दिया ये आपको 11/12/2022 को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाना प्रभारी के और उनके थाना प्रभारी के अगर हाजिरी में कोई भी और पुलिस प्रशासन के लोग थे तो उनके द्वारा बोला जा रहा कि जब तक SDM साहब का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम लोग काम बंद रुकवा नहीं सकते हैं। और ये थाना प्रभारी जो है हमारे नज़र में यही समझ में आ रहा है कि थाना प्रभारी को देने के बावजूद भी काम नहीं रुक पा रहे, इन लोग के मिली भगत थाना के मिली भगत से सारा बाउंड्री वाल हो रहा है। ठीक, नाम बताया? मैं श्रीकांत बर्मन। आप क्या चाहते हैं? काम काम रुकवाना चाहते हैं, जब तक मैं कोर्ट से मामला में लंबित है तब तक ये काम को रोका जाए। कोर्ट अब थाना में मामले नहीं है तो कोर्ट में तो SDO साहब के पास गए हुए हैं, तो कुछ फैसला नहीं उससे अभी कुछ फायदा नहीं हो पाया। और थाना प्रभारी को मैंने भी दिया 11/12/2022 को, उसमें भी कोई फायदा नहीं हो पाया। और बाउंड्री वाल हो रहा है, बाउंड्री वाल हो रहा है, उस पर कोई रोका नहीं जा रहा है और बाउंड्री वाल अभी कुछ बाकी है, उस पर भी काम जारी है। कितना जमीन है जी? कितना जमीन है? वो जमीन 75 डिसमिल का मामला है। कहाँ पे है? यह सिंगड़ा मौजा पड़ता है, लाल बंगला के पास ही।